हे गाइस, मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो यानी कि हैशटैग इक्विपमेंट सिलेक्शन का पहला वीडियो है। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं थर्मल ओवरलोड रिले के सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो गाइस, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल आपको डेटा दूंगा जिससे आपको बहुत हेल्प होगा। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, थर्मल ओवरलोड रिले, इसका सिलेक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले आप जिस मोटर के लिए कर रहे हैं, जितना भी रेटेड किलोवाट का आपका मोटर है उसके फुल लोड करंट के हिसाब से जो है ये थर्मल ओवरलोड रिले का सिलेक्शन किया जाता है। तो गाइस, सपोज मान लीजिए कि कोई 5.5 किलोवाट का मोटर है जिसका फुल लोड करंट होता है 10.5, या फिर 7.5 किलोवाट का मोटर है तो उसका फुल लोड करंट होता है 14 पॉइंट समथिंग कुछ। तो मैं अभी जैसे बता रहा हूँ इतना किलोवाट के लिए इतना फुल लोड करंट होता है, तो इसका जो है एक शॉर्टकट मेथड्स है, मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। गाइस, मैं एग्जांपल के लिए जो है 5.5 किलोवाट का एक मोटर का एग्जांपल लेता हूँ जिससे आप बहुत आसान तरीके से इस चीज़ को समझ पाएंगे। सपोज मान लीजिए कि कोई 5.5 किलोवाट का एक मोटर है जिसका फुल लोड करंट है 10.5। अब आप अगर ये 10.5 करंट को जो है रेटेड मान करके अगर आप ओवरलोड रिले का सिलेक्शन करेंगे तो ये जो है पूरा प्रॉपर गलत तरीका है, क्योंकि ये जो 10.5 करंट है ये हमारा लाइन करंट है। हमें जो है फेज करंट के हिसाब से ये ओवरलोड रिले का सिलेक्शन करना होता है। अब ये लाइन करंट फेज करंट क्या है इससे रिलेटेड भी वीडियो बनाया हूँ, ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप एक बार वो वीडियो भी एक बार देख सकते हैं। तो गाइस, हम लोगों के जो ओवरलोड रिले से तीनों फेज निकलता है RYP। ऐसा भी हो सकता है कि वो जो है शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या फिर मोटर के बॉडी के साथ जो है शॉर्ट हो सकता है, या फिर किसी लोड के कारण हमारे मोटर से जो है ओवर करंट भी फ्लो हो सकता है। तो एक एक फेज से जो है ना वो करंट हमारा फ्लो होना स्टार्ट होता है उस टाइम में, इसलिए हमें ये लाइन करंट को ना लेकर के, यानी कि जो 10.5 है ये हमारा लाइन करंट है, लाइन करंट को ना चूज करके हमें जो है फेज करंट को चूज करना रहता है। तो ये 5.5 किलोवाट के लिए जो हमारा लाइन करंट है 10.5, इसे अगर हम लोग फेज करंट में चेंज करेंगे तो हमें जो है √3 से डिवाइड देना पड़ेगा, और अगर हम इसे √3 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.5 एम्स। और ये 6.5 एम्स को ही एक रेटेड करंट मान करके हमें जो है एक ओवरलोड रिले का सिलेक्शन करना होता है। अब गाइस, ये जो ओवरलोड रिले होता है, ऐसा नहीं कि एक 6 एम्स का आपको ओवरलोड रिले मिलेगा, 4 एम्स का मिलेगा, 5 एम्स का मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। इस ओवरलोड रिले में करंट का जो रेटिंग होता है वो कुछ इस तरह से होता है, 4 एम्स से 8 एम्स के बीच में, या फिर 8 एम्स से 16 एम्स के बीच में। ये 5.5 किलोवाट के लिए हमारा जो फेज करंट निकला 6.5, तो आप जो है इसे 6.5 में भी सेट कर सकते हैं, 6 में भी सेट कर सकते हैं। इससे अगर हमारे मोटर में कोई भी एबनॉर्मल करंट अगर फ्लो होगा तो हमारा जो है ये मोटर तुरंत ट्रिप हो जाएगा। गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ रेटेड किलोवाट मोटर के लिए आप किस तरह से उसका फुल लोड करंट शॉर्टकट ट्रिक से जो है निकाल सकते हैं। तो गाइस, सपोज मान लीजिए कि 5.5 किलोवाट का मोटर है तो उसका फुल लोड करंट होता है 10.5। तो अगर आपको किसी भी मोटर का फुल लोड करंट निकालना हो तो उसके किलोवाट के साथ आपको जो है 1.9 का बस मल्टीप्लाई कर देना है। गाइस, और एक बात बताना चाहूँगा, जैसे 7.5 किलोवाट मोटर का फुल लोड करंट होता है 14.5, तो इसमें जो है कुछ इस तरह से आपको रिजल्ट मिल सकता है कि अगर आप 7.5 को 1.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आपको ऐसा मिलेगा कि 14.1, या फिर किसी किसी केस में आपको जो है मतलब थोड़ा सा टॉलरेंस देखने को मिलेगा 0.5 का, तो इस बात को जो है ध्यान में रखना है। तो सिंपल आपको जो है 1.9 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास जो है फुल लोड करंट आ जाएगा। तो गाइस, ये एक जो है सिंपल सा बस एक ट्रिक है, ऐसा नहीं है कि ये 1.9 को लाया गया है कहीं से, ये एक ट्रिक बनाया गया है, एक शॉर्टकट ट्रिक है। तो गाइस, मैंने अभी जो भी आपको बातें बताया, तो गाइस मैंने अभी ओवरलोड रिले से जो भी बातें आपको बताया किस तरह से सिलेक्शन किया जाता है, ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आपके तक बहुत आसान तरीके से पहुंच जाए। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।